राज्य सरकार ने मगध प्रक्षेत्र के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी आदित्य कुमार को हटा दिया है। दोनों पदाधिकारियों को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया गया है। इन दोनों को हटाने के तुरंत बाद गया के पूर्व डीएम अभिषेक सिंह को दिसंबर में राज्य सरकार ने तबादला करते हुए उन्हें गुटको के एमडी के पद पर पदस्थापित किया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें वहां से हटाकर उनकी सेटिंग पोस्ट परामर्शी बिहार राज्य योजना परिषद में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही की गई है, कई तरह की बातें आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बालू माफियाओं या शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप में इन्हें हटाया गया है। सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की, ये सवालों के घेरे में है। सरकार ने एकाएक मगध प्रक्षेत्र के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया और उन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग डाल दिया। ये भी बड़ी खबर है। उनके स्थान पर विनय कुमार को आईजी मगध प्रक्षेत्र और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हरप्रीत कौर को गया के नए एसएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली खबर तब आई जब राज्य सरकार ने गया के पूर्व डीएम अभिषेक सिंह को दिसंबर में वहां से उनका तबादला किया था और उनको बुटको के प्रबंध निदेशक के पद पर उनको पदस्थापित किया। लेकिन जैसे ही गया के एसएसपी और मगध प्रक्षेत्र के आईजी को हटाया गया, उसके बाद अभिषेक सिंह को भी बुटको के एमडी के पद से हटाकर उनको सेंटिंग पोस्ट परामर्शी बिहार राज्य योजना परिषद में डाल दिया गया। अब जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, वो खबरें ये हैं कि दो तीन खबरें हैं मीडिया में। पहला कि क्या शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर के राज्य सरकार ने कार्रवाई की। दूसरा, क्या बालू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर के राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की। और तीसरा, एक जो मामला आ रहा है वो ये है कि किसी जमीन का मामले में कार्रवाई नहीं करने का भी मामला आ रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने जाँच कराई थी और उसी जाँच के बाद ये पूरा मामला हुआ। लेकिन सचिवालय से लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय तक महकमे में बहुत चर्चा गर्म है कि एकाएक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों और इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे। लेकिन सवाल सीधा है कि मामला बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं किसी रिपोर्ट के आधार पर ही यह पूरा ट्रांसफर हुआ है और लोगों को हटाया गया है। किसी भी प्रक्षेत्र में आईजी और एसएसपी का ट्रांसफर अगर थोक भाव में आईपीएस का ट्रांसफर होता तो समझा जाता है, लेकिन पार्टिकुलरली किसी आईजी एसपी को हटाया जाना अपने आप में इंगित करता है कि मामला सरकार के पास कुछ आया है और मामला वही है, कुछ न कुछ गंभीर मामला। उससे भी बड़ा बात कि उसी जिला के डीएम को हटा करके पहले बुटकोम का एमडी बनाया गया और बाद में उनको सेंटिंग पोस्ट कल्लात में डाल दिया गया। सवाल बहुत सीधा है, हमारे साथ बने रहिए। हमने जो कारण बताए हैं उन कारण में से हो सकता है एक कारण हो, लेकिन बात धीरे धीरे चलेगी। लेकिन राज्य सरकार की यह बड़ी कार्रवाई है, 2000 अगर आप बात करेंगे आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी कहें या बालू माफिया से संबंध के आरोप में कई अधिकारियों का कार्रवाई हुई, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये भी कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है। सहयोगी सुनील के साथ मरगुबालम, कृषि न्यूज पटना।